एफडीएम सिस्टम में वैसे तो अर्निंग करने के 3-4 तरीके या उससे भी ज़्यादा तरीक़ाकार मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई से भी एफिलिएट या कोई अगर हम यहाँ पे नेटवर्क यूज़ कर रहे हो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, तो वो कैसे करेंगे? लाइक मैं यहाँ पे क्लिक बैंक एफिलिएट यूज़ करता हूँ, तो उसको यूज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये होगा या एक टेक्निक है ये कि इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके कैटेगरीज के अंदर कोई सी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो कि डेफिनेटली हमारी थीम से रिलेटेड हो। जैसे कि हम थीम जो शुरू से हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लेते हुए आए हैं वो है मोबाइल से रिलेटेड, यानी कि आईफोन डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास पहला एक आ रहा है कि अनसीन एप्लीकेशन फॉर आईफोन एंड आईपॉड टच एंड सो ऑन। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इसके प्रमोट को लिंक को क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह देने के बाद इसको मैं क्रिएट कर दूँ। क्रिएट का मतलब ये होगा कि मेरे इस आईडी से रिलेटेड एक एफिलिएट लिंक बन जाएगा जिसको मैं जिस जगह भी प्रमोट करूँ तो मुझे यानी कि ये अगर प्रोडक्ट सेल होती है मेरे इस लिंक के ज़रिए से तो मुझे कमीशन मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस लिंक के अंदर कि इसमें आप 65A D2 एंड समथिंग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही अजीबो गरीब सा ये लिंक बना हुआ है। तो इस लिंक को डेफिनेटली अगर मैं फेसबुक पे या किसी तरह भी प्रमोट करने की कोशिश करूँगा तो इसमें प्रॉब्लम ही आ सकती है कि लिंक को स्पैम माना जा सकता है। इसलिए अब यहाँ पे हम एक वेबसाइट है जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे हमारे इस पूरे प्रोग्राम में, और वो है tinyurl.com। tinyurl.com, जैसा कि आपको नाम से स्पेसिफाई हो रहा होगा कि किसी भी बड़े यूआरएल को छोटा करना है या फिर एक कोई सा भी यूआरएल वगैरह आपको बना कर दे, तो सिंपल हमें करना यहाँ पर ये होगा कि जो एफिलिएट लिंक से रिलेटेड यहाँ पे हमें जो लिंक नज़र आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लंबा सा एक लिंक है, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे जो मौजूद एंटर आ लॉन्ग यू आर एल टू मेक इट टाइनी, तो मैं यहाँ जाके इसको लिंक अंदर डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसको मेक टाइनी क्लिक करूँ तो ये अपने हिसाब से कोई भी इसका रेलेवेंट एक लिंक मुझे प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एज अ लेंथ ऑफ 52 कैरेक्टर्स का ये लिंक था जो कि इसने शॉर्ट करके 26 कैरेक्टर्स का कर गया और वो शॉर्ट यूआरएल हमारा यहाँ पे मौजूद है। अब फेसबुक पे मैं किसी भी जगह पे अगर इस यूआरएल को कॉपी करूँ या फिर इसको यूज़ करूँ, अभी शॉर्ट हो गया, अब ये शॉर्ट हो गया तो, और डेफिनेटली अगर आप इसको कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो इसके अंदर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई देखे भी इस यूआरएल को तो उनको ये सेंस नहीं होगा कि ये कोई चीज़ या प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई प्रोडक्ट सेल करने से रिलेटेड कोई बात होगी इसके अंदर। अगर आप इस यूआरएल को मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि कस्टम एलियास के नाम से। इसके अंदर होता यह है कि tinyurl.com, उसके बाद अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा अपना नाम, लाइक अपना नाम यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर और कोई फिगर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने कहा कि ABC या इसके बाद और जो कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह अगर यूज़ करने हो, तो मैं आप इसको मेक टाइनी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जो यूआरएल में बस बनकर आया वो कुछ इस फिगर का। लेट्स ट्राई, अगर मैं इसको जाके कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में जाके इसी यूआरएल को ओपन करता हूँ, तो अब मेरे पास जो फिगर यहाँ पर आएगी वो यही जो मेरा यूआरएल है वो रिडायरेक्ट होकर मेरी इस क्लिक बैंक की प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा होगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि अब वो ये जो टाइनी यूआरएल हमारा था वो रिडायरेक्ट होकर unseenapps.com/hope-link और मेरी जो क्लिक बैंक की आईडी है उससे रिलेटेड अब वो रिडायरेक्ट होकर उस प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है। तो अब आपको यही सारी चीज़ें करनी होंगी, अपने यूआरएल को कस्टमाइज़ बनाए, फिर उसके बाद फेसबुक पे भी यूज़ करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग फेसबुक पे अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी छोटी सी आर्ट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल है छोटा मोटा कोई ना सेंटेंस ज़रूर हो जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता हो। अब टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपने पास नोट पैड के ऊपर पहले से कोई चीज़ रेडी रखें, पहले तो लिंक अपना यहाँ पे पेस्ट करें ताकि वो मिसप्लेस ना हो, क्योंकि डेफिनेटली मैंने इसी अपने पूरे सेंटेंस के अंदर ही लिंक को भी यूटिलाइज कर। हाँ, लाइक वाइज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आई हैव गॉन थ्रू, या फिर इस तरह लिखा जाए कि आई वॉज रिसर्चिंग समथिंग अबाउट आईफोन। देखिए, थोड़ा बहुत भी अगर इसके अंदर यहाँ पे आप क्रिएटिविटी डालेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में ख़ास तौर पे फेसबुक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा कर सकता है।
एक बात याद है कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर उस लिंक को प्रोमोट करने लगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो स्पैम जा सकता है और आपकी प्रोफाइल में नेगेटिविटी आना या नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। सिंपल वैसे बात है, जो आपने टैक्स आप बनाते हैं यहाँ पे, वो बनाने के बाद अब अपने जो भी आपका जो वॉल का स्टेटस है आप उसके ऊपर जाके इसको प्लेस कर दें ताकि आप उसको प्रमोट कर सकें। इसके बाद जो आपका टैक्स यहाँ पे आ जाएगा तो आप उसको पोस्ट कर दें ताकि वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर नज़र भी आना शुरू हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जस्ट फॉर मेक इट श्योर कि ये लिंक सही काम कर भी रहा है या नहीं, ये एक्टिव है या नहीं, मैं इस लिंक को क्लिक करके देख लेता हूँ ताकि मुझे एक बार और श्योरिटी मिल जाए कि किसी भी विजिटर को क्लिक करने पे ये लिंक किस टाइप का रिएक्शन दे रहा था। डेफिनेटली ये लिंक अभी भी उसी तरीके से सही काम कर रहा है। नेक्स्ट, अब ये इसी तरीके की जो भी आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिलती हैं आप इसी तरीके से तरह तरह की प्रोडक्ट्स कॉपी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अपने इस प्रोफाइल पे यूज़ कर सकते हैं बल्कि जो आपने ग्रुप्स को ऐड किया है उसके ऊपर भी ये टेक्स्ट अपना पूरा पूरा डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है एक कम्युनिटी पेज मैंने ज्वाइन किया हुआ है आईफोन ऐप्स के नाम से, मैं उसके ऊपर भी ये पूरा का पूरा जो मेरा स्टेटस है इसको जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि इस कम्युनिटी पेज के ऊपर यानी जो लाइक पेज बना हुआ है उसके ऊपर 4436 लाइक्स यानी कि विजिटर्स जो ज्वाइन हुए हुए उनको भी ये स्टेटस दिख जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि ये करने के बाद उसको यहाँ पर शेयर कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइप की जो इमेजेस वगैरह आ रही होती है ख़ास तौर पे कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा इंप्रेशन शो करती है। तो फिर डेफिनेटली मैं इस इमेज को रखते हुए यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि जो भी लोग इस पेज को देखना चाहते हैं, इस वेबसाइट को देखना चाहते हैं या फिर आईफोन एप्लीकेशन परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे इस एफिलिएट लिंक के ज़रिए से परचेज़ कर सकें, जिसके ऊपर डेफिनेटली मुझे खुद को भी बेनिफिट हो रहा हो। यहाँ इसी तरीके से जो भी हमारा इन फ्यूचर ग्रो हम ग्रुप अपना बना के उस पर प्रमोट कर रहे होंगे उसके बाद डेफिनेटली कुछ यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ऐड हुए होंगे तो फिर आप डेफिनेटली उनको ग्रुप की तरफ डाइवर्ट करें और उसके ऊपर अपने एफिलिएट्स वगैरह को भी यूज़ करें। इसी के ज़रिए से आप ग्रुप के ज़रिए से फेसबुक में ही रहते हुए जो आपका ग्रुप ऑप्शन है या जो आपका ग्रुप आप बनाते हैं जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स होंगे डेफिनेटली, तो फिर आप उसके ज़रिए से अपने रेफरल लिंक के ऊपर या फिर एफिलिएट लिंक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं।